हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसमें 2021 में जो आपने आईटीसी क्लेम किया था या उसके जो सेल्स के इनवॉइसेस में एडजस्टमेंट किया था, क्रेडिट डेबिट नोट्स में एडजस्टमेंट किया था, तो 2021-22 के रिटर्न में हम कहाँ पर शो करें, तो मैं आपको डायरेक्ट एनुअल रिटर्न पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 2021 का डाटा आपको यहाँ पर कहाँ पर दिखाना है 2021-22 में, क्या उसके लिए कोई सेपरेट कॉलम है भी या नहीं। तो जब हम 2021-22 की एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो इसके लिए अलग अलग टेबल हमें यहां पर दी गई है, बट जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड टेबल्स हैं, जो अलग अलग टेबल में, उनमें कहां कहां पर आईटीसी रिलेटेड बात हो रही है प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग, की प्रीवियस ईयर का आईटीसी आपको कहां पर दिखाना है और किस तरह से रिपोर्ट करना है, उसके डिफरेंस की बात कहां पर हो रही है। तो टेबल नंबर 4 में अगर हम बात करें तो यहां पर 2021 से रिलेटेड कहीं पर भी कोई डाटा दिखाने के लिए टेबल नहीं दी गई है कि आप 2021 के लिए दिखा दें। फिर उसके बाद हम बात करें कि यहां पर टेबल नंबर 6 में, जहां पर 3B से आईटीसी आता है, फिर हम उसमें यहां पर बाइफर्केट करके लिखते हैं जो हमारी परचेज है, परचेज ऑफ सर्विस या गुड्स का आईटीसी, तो इसमें भी यहां पर कोई स्पेशल टैब यहां पर नहीं दी गई है, कॉलम्स कोई भी नहीं है, किसी भी रो में स्पेशली यहां पर नहीं बताया है कि 2021 का आपको आईटीसी कहां पर दिखाना है। अब हम बात कर रहे हैं केवल टेबल नंबर 8 की, और ये वाली जो टेबल है 10 वाली, जिसमें कंबाइंड टेबल दी गई है 10, 11, 12, 13। तो टेबल नंबर 8 में कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर वो आईटीसी आप दिखा दें, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर जो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो एनुअल रिटर्न है उसमें जो बात कर रहा है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने अगर आईटीसी क्लेम किया था तो वो आप यहां पर दिखा दें, तो वो जो बात हो रही है वो हो रही है 22-23 के लिए, अप्रैल 22 से लेकर और 30 नवंबर 2022 तक में अगर आपने क्लेम किया है किसी भी GSTR 3B के अंडर में आईटीसी, तो वो वैल्यू आपको यहां पर दिखानी है। गलती से भी 2021 के लिए यहां पर वैल्यू एंटर मत करना। अगर आपका डिफरेंस भी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है डिफरेंस हो सकता है, क्यों हो सकता है कि 2A में आपका आईटीसी है वो कम आएगा और जो आपने 3B में क्लेम किया है वो ज्यादा, क्योंकि 2021 वाला भी कुछ ऐसा आईटीसी था जो आपका मार्च में रह गया था, मार्च 21 में, और वो आपने अप्रैल 21 से लेकर सितंबर 21 तक के बीच में क्लेम किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस डिफरेंस के साथ ही आप अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कीजिएगा, क्योंकि यहां पर एनुअल रिटर्न में 2021 का डाटा दिखाने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो गलती से भी कि ये डाटा यहां पर जीरो करने के चक्कर में या मैच करने के चक्कर में गलत डाटा एंटर कर दे, नहीं, ये 22-23 के लिए बात कर रहा है, स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब यहां पर ही है। तो सर आप ये बताइए कि 2021 का डाटा का क्या होगा। तो जो 2021 का डाटा था तो वो 2021 की एनुअल रिटर्न में आपको एंटर करना था, उसी तरह का यहां पर कॉलम दिया था, पर वहां पर 30 सेप्टेंबर स्पेशली लिखा हुआ था। ये पहला पॉइंट है जहां पर आपने एनुअल रिटर्न फाइल की थी 2021 के लिए। अगर आप लायबल नहीं थे और 2021 की आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी और फिर भी आपने 2021 का आईटीसी 21-22 में क्लेम किया था, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जेन्युइन केस है कि आपका आईटीसी डिफरेंस आएगा ही आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि तो वहां पर जो ये टेबल है टेबल नंबर 6, उसमें डाटा आ रहा है 3B से, 3B में हमने ज्यादा आईटीसी लिया हुआ है क्योंकि हमने 2021 का भी आईटीसी लिया है, और उसके बाद जो है 2A में कम आएगा क्योंकि ये तो केवल 21-22 का आईटीसी दिखाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर कहीं पर भी 2021 की फिगर आपको एंटर नहीं करनी है, वो 2021 वाली एनुअल रिटर्न में ही करनी थी। अगर ऐसा हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम इसी तरह से इस वाले केस में, तो यहां पर ये गलती मत करिएगा। यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जो हेडिंग है टेबल की 10, 11, 12, 13 की, वो क्लियरली लिख रहा है पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 21-22 के जो है डिक्लेयर किए हैं आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 22-23 में, कब तक, 30 नवंबर तक। तो सिंपल सा यहां पर जब क्लियरली लिखा हुआ है तो फिर इस वर्ड की वजह से आप इसमें 2021 की फिगर कैसे एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13 किसी की भी अगर बात करें अगर हम, तो यहां पर केवल बात हो रही है कि जब आपने 2021 का कोई भी डाटा यहां पर नहीं एंटर करना है, यहां पर बात क्या हो रही है कि 21-22 का कोई अगर डाटा सेल बढ़ाई है या घटाई है, डेबिट नोट्स इशू किए हैं, क्रेडिट नोट इशू किए हैं,
या ITC रिवर्स किया है, GSTR 1 और 3 भी में, कौन से वाली, जो कि अप्रैल 22 से लेकर और अक्टूबर 22 तक की रिटर्न आपने फाइल की हैं, उसी की यहां पर बात हो रही है, या आपने कोई ITC अवेल किया है जो कि आपका रह गया था 21-22 का। तो ये पूरी की पूरी रिटर्न जो डिजाइन है वो है केवल और केवल 21-22 के लिए, 20-21 की कोई भी फिगर इसमें एंटर आपको नहीं करनी है। अगर आपने गलती से कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी या आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है तो ये रिटर्न जो है रिवाइज भी नहीं हो सकती। तो इसे भरने से पहले चैनल पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो GSTR 9 का, जो कि 20 मिनट के अप्रोक्स है, वो आप एक बार देखिएगा, उसमें अलग अलग टेबल ब्रीफ की है ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। टेबल वाइज भी काफी सारी वीडियो मैंने बताई है, 21-22 में काफी ज्यादा चेंजेज आए हैं, HSN को लेकर हो, या फिर ये रिपोर्टिंग हो रही है स्पेशल उसके लिए हो, या फिर कुछ टेबल को मैंडेटरी किया गया है वो। तो रिटर्न को आप खुद से फाइल करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको अच्छे से समझ के सही तरीके से करें। गलत डाटा अगर आपने भर दिया, गलत अपलोड हो जाएगा, गलती वो कंसीडर होगा और उसके बेस पर आपको नोटिस आ सकता है। जब नोटिस आता है फिर उसके बाद उसमें पेनल्टी और काफी सारी चीजें इनिशिएट हो जाती हैं कि डाटा की गलत रिपोर्टिंग हुई है। वहां पर फिर भी कोई भी इफेंट बट नहीं चलता कि आपको ये नॉलेज नहीं थी कि 2021 का डाटा इसमें डालना था या नहीं डालना था। तो 2021 से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी 21-22 के एनुअल रिटर्न में नहीं करनी है। अगर हो गई है तो अब उसमें रेक्टिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। बट इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके और इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड हो सके। चैनल पर इसी तरह के काफी सारे वीडियो हैं GST इनकम टैक्स को लेकर, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर अपलोडेड है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखें, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।